प्रतिक्रिया आ रही है, एक बात करना चाहता हूं, जो रिएक्शन आ रही है, सर मैं एक सेकंड आ रही हूं, जो रिएक्शन आ रहे हैं लोग बहुत आहत महसूस कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं, आप बहुत गलत मैसेज दे रहे हैं, आप गद्दार और कायर शब्द का जब इस्तेमाल करते हैं आपको क्लैरिफाई करना होगा, और एक एक सीनियर लीडर होने के नाते, नेता होने के नाते मुझे लगता है आपको माफी मांगनी चाहिए। चीख पुकार बहुत हो सकती है, ये शो कुछ ही देर में खत्म हो जाएगा, लेकिन जो छाप आप छोड़े अखिलेश जी, ये बहुत गलत 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 इंप्रेशन दे रहा है, बहुत गलत इंप्रेशन दे रहा है। एक मिनट आपके पास है, आपने देखूं, मैंने बहुत कायदे में आपको समझा दिया जो हो रहा है, बहुत सच्चाई से समझाया है। वन मिनट इज योर्स, और आपका टाइमर शुरू होता है, आप अखिलेश प्रताप सिंह जवाब चाहिए कि नहीं चाहिए, एक मिनट पूरा आपका। अरे पहले लहजे से बात करना सीख लीजिए साहब, उसके बाद जवाब दीजिए। देश की चिंता करना गद्दारी है, देश की चिंता करना गद्दारी है, बरगलाना गद्दारी है सर, बरगलाना गलत चीजें फैलाना गद्दारी है, चारों तरफ से सूचना, चिंता नहीं कर रहे हैं आप, गलत चीज फैला रहे हैं सर, करते हैं कि सरकार ड्यू रिस्पेक्ट, आप गलत चीज फैला रहे हैं देश में, ये मैं जवाब दे रहा हूँ, गुमराह कर रहे हैं आप, इसी क्यों चिंता नहीं कर रहे हैं आप, क्यों क्यों बोला बीच में आप बोला, क्यों बोला, अरे ये वेटरन है क्या बोलते हैं, ये बोला कौन बोला, क्या बोलते हैं, बोले बोलिए, क्या हो रहा है, एक सेकंड, अब रुकिए, ठीक है आपके पास 44 सेकंड है, मुझे देखना आप और कितना एक्सपोज करेंगे खुद को सर, 44 सेकंड अभी आगे नहीं बढ़ी है, घड़ी आगे नहीं बढ़ी है, रुक जाइए 44 सेकंड, आप पूरा देश सुन रहा है सर, 200 मिलियन व्यूअर्स आर वॉचिंग यू, कांग्रेस के रिप्रेजेंटेटिव कहिए क्या कहना है, सुनिए, सबको पता है कि चीन हमारे साथ छल कर रहा है, उसकी नीयत ठीक नहीं है, इसमें कोई दुविधा नहीं है, सबको ये भी पता है कि अरुणाचल में किस तरह के स्टेक कर रहा है, किस तरह के दावे कर रहा है, इसमें कोई दुविधा नहीं है, डोकलाम पे उसकी नीयत साफ नहीं है, इसमें भी किसी को दुविधा नहीं है, तो शंका कहाँ है आपको भैया, शक्ति अपनी अपने क्षेत्र में बढ़ा रहा है, ये सेना ने भी एक्सेप्ट किया है, वो सेना घुसपैठ अपना बढ़ा लो, तो शंका बढ़ा, आप सेना के अध्यक्ष क्यों कर रहे हैं, 15 बार वो सेना अध्यक्ष पर क्यों शंका कर रहे हैं, फिर बीच में मत बोलिए, बीच में बोलेंगे, मत बोलिए बीच में, बिल्कुल बोलेंगे, आपको बहुत बोलने दे दिया, मैं तो बोलता हूँ रूबिका जी, 15 बार चीन तहजीब के अंतर्गत रूबिका जी ने आप जैसे गद्दारों को बहुत बोलने दे दिया, नहीं नहीं रूबिका जी, गद्दार जो हमारे सेना के वेटरन पहले माफी मांगते हैं, डिमांड नो, वी कैन नॉट कॉल वेटरन कल उत्तर दिया है, आज भी इतनी हिम्मत नहीं देनी चाहिए, जब वो देश को गलत गलत रास्ते पे बताना चाह रहे हैं, बहुत कंफ्यूज कर दिया मैंने, मैंने आपको पूरा मौका दिया, मैंने आपको पूरा मौका दिया, लेकिन मुझे नहीं लगता है, मुझे नहीं लगता है कि आप उस अहंकार के चश्मे को अपनी आंखों से उठा के बांधिए, ये बहुत घमंड है, ये अहंकार है, ये एरोगेंस है, आप होंगे सीनियर लीडर, लेकिन देश के प्रति जो बहुत ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाते हैं आप उनको गद्दार और कायर नहीं कह सकते हैं, पीरियड, अखिलेश प्रताप सिंह साहब, मुझे लगता है आपको माफी मांगनी चाहिए, देश के आपको माफी मांगनी चाहिए, देश के साथ आपको कर्नल टिक्कू से माफी मांगनी चाहिए, आपको मेजर जनरल सिन्हा से माफी मांगनी चाहिए, आपको माफी मांगनी चाहिए इन दोनों लोगों से, क्यों नहीं बोल रहे हम चाहते हैं कि आप इन दोनों से माफी मांगे, आप देश के साथ क्योंकि ये चाइना का जो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है उसका हिस्सा बन रहे हैं, इसलिए गद्दारी कर, मेरी बात से डरते हैं, अरे आप चाइना के साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के स्पेनिज्म का हिस्सा बन रहे हैं सर, आप नहीं जान रहे हैं कि आप क्या गद्दारी कर रहे हैं, आप इनोसेंट में कर रहे हैं, आप अंधी से कर रहे हैं, जानबूझ के कर रहे हैं, सुनिए अगर मेरा पक्ष रहे, अरे थोड़ा इस अकड़ को थोड़ा कम कर दीजिए, कभी कभी आपकी कभी कभी सैनिकों की बात नहीं होनी चाहिए, मेरा पक्ष नहीं जानना था तो, अरे क्या आपका क्या पक्ष है, आपका पक्ष यह है कि चाइना का साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का हिस्सा बन रहे हैं आप, उसकी जवान बन रहे हैं, उसको कोई मीडिया की लड़ाई लड़नी नहीं है, वो जो है
वो और नहीं तो और पाकिस्तान चाइना को हम अपने यहाँ एक अरे चाइना को हम देख लेंगे सर, चाइना को यहाँ पे हम एक फ्रंट नहीं टू फ्रंट में लड़ाई लड़ सकते हैं, टू एंड हाफ फ्रंट में लड़ सकते हैं। छोड़ दीजिए, मुझे लगता है आपको ना कुछ सेकंड का ब्रेक चाहिए अखिलेश जी। नहीं 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 कोई बात नहीं, यू नीड अ ब्रेक, यू नीड अ ब्रेक, यू नीड अ ब्रेक फॉर 30 सेकंड्स अखिलेश जी। आपको लगता है कि मैं आपके पास कैसे बेटर किया जाए, यहाँ पर 5 मोटे 10 मोटे रोज होती है, यहाँ पर 5 मोटे 10 मोटे रोज होती है। आप 30 साल से कह रहे हैं दोनों गद्दार एक साथ। रीजन क्या गद्दार, आपके अल्ताफ बुखारी ने कहा है आपके। बैठ जाइए शांति से, बैठ जाइए, चिंता मत करिए। कोई भी कुछ कह रहा हो, यहाँ इंडिया की सरकार बैठी है, हमारे आर्मी और हमारे आर्मी चीफ है। बैठ जाइए, देखिए देखिए, मेरे समझ से ना कांग्रेस गद्दार है ना बीजेपी गद्दार है, हम सब देशभक्ति है। ऐसे इस तरह अगर कुत्तों की तरह आप भोगते रहोगे तो चाइना इसका फायदा उठाएगा। बिल्कुल, तो मैं तो बता रहा हूँ, अभी आप लोगों ने पुणे के सामने कोरे गांव में कास्ट पॉलिटिक्स किया। हेलो हेलो, बिल्कुल बिल्कुल, अभी आप पुणे में कास्ट पॉलिटिक्स किया। चाइना का नजर अभी उधर पड़ा है, चाइना का नजर उधर पड़ा है। अभी आप देश को और कमजोर करोगे अगर इस तरह लड़ाई करते रहोगे। आप लड़ाई करते रहिए, कल उन्होंने सियाचिन के सामने 36 किलोमीटर का रोड बनाया, आप लोगों को पता भी है। आपने इशू, लेकिन आप बात सुनिए, मैं एक फैक्ट बता रहा हूँ। आप ये देंगे तो गद्दार हो जाएंगे। अभी बात चिंता मत, आप सुनिएगा, 28 अगस्त को ज्ञानी है, हम सुन रहे हैं उनको। अखिलेश जी, आपको और क्या है, कुत्ते लग रहे हैं और क्या लग रहा है, कुत्तों की तरह भोंक रहे हो आप, देश को कमजोर कर रहे हो। हम क्या नहीं है इंडियन, हम इंडियन नहीं है, हम सिंबल संभालते हैं। यहाँ कुत्तों की तरह चिल्लाता है, चिल्लाते हैं आप लोग, कुत्तों की तरह चिल्लाते हैं आप लोग, देश को कमजोर बनाते हैं, देश को बेचते हैं, कुत्तों की तरह बेचते हैं। प्लीज फुनचुक स्तोपदान साहब, क्यों चुप नहीं रह सकते हो आप? फुनचुक स्तोपदान, आई मस्ट, हमको बेवकूफ बनाते हैं, देशवासियों को बेवकूफ बनाते हैं। हम क्या यहाँ ऐसे मस्ती मारने के लिए बैठे हैं? क्यों चिल्ला रहे हैं आप लोग? शब्दों का इस्तेमाल नहीं, तमाशा बना के रखा है देश का। एंड यू नो व्हाट, आई अंडरस्टैंड द इमोशंस, हर चीज का, हर चीज का मजाक, कुत्ते हैं ये, क्या है सीरियसली, ये क्या चल रहा है अखिलेश प्रताप सिंह साहब, ये क्या चल रहा है? व्हाट इज दिस हैपनिंग? आई डोंट अंडरस्टैंड इमोशंस, आई अंडरस्टैंड इमोशंस, व्हाट डू यू, भुगते हो आप लोग, भुगते हो कुत्तों की तरह, देश के लिए शर्मनाक है, शर्मनाक है आप लोग, कुत्ते हैं, कुत्ते। सुनो सुनो भाई, क्या बोल रहा है, मैं परेशान हो गई हूँ, मैं इसलिए परेशान हो गई हूँ कि आप अपनी सियासत के आगे किसी और चीज को समझना ही नहीं चाहते। मैं 10 सेकंड लेना चाहूंगा। देखिए, आज फुनचुक जी ने बहुत एक बहुत बड़ा वेकअप कॉल दिया है, प्लीज अखिलेश भाई सुन लीजिए 10 सेकंड दूसरों को, एक बहुत प्लीज, दिस इज अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन इन अ डिबेट, यहाँ पे लेट्स कॉल ट्रूथ प्लीज, फॉर गॉड सेक। अभी फुनचुक जी ने एक बहुत बड़ी बात कही, देखिए प्लीज, हम इतने मच्योर लोग बैठे हैं, देश का एक इतना सेंसिटिव इश्यू डिस्कस हो रहा है, आप अगर डिफर भी करते हैं, उसको रखने का तरीका होता है, उसका फोरम होता है, उसका प्लेटफॉर्म होता है, इस प्रकार से चिल्ला करके, इस प्रकार से एक केओस क्रिएट करके, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देश को बरगलाने का प्रयास कभी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही, मैं फुनचुक जी के बातों से, उनके शब्दों से सहमत नहीं हूँ, मगर बातों से सहमत हूँ। प्लीज अनॉइड, आज कोई भी जो सुन रहा होगा वो कितना गुस्सा होगा, सेंसिटिव इश्यू, प्लीज सर, कुछ नहीं, प्लीज सर शांत, प्लीज कीप क्वाइट, लेट अदर स्पीक, आई फर्मली एग्री, आज बहुत सेंसिटिव इश्यू था, इस पे एकेडमिकली डिबेट करना था नॉट।